देख रहे हैं ज्योतिष दुनिया। जीवन का जो चक्र बदल दे जिसे दिशाओं का हो ज्ञान, सही दिशा बदलने से ही सुखी रहता है हर इंसान। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता नारंग एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और पिछले 20 सालों से देश विदेश में लोगों की वास्तु संबंधित परेशानियों को दूर कर रही हूँ और कैसे वो अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए इसका पूरा प्रयत्न कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि वास्तु एक वहम है या आपको वास्तु के बारे में सुनने से घबराहट होती है तो मैं आपको यहाँ पे पूरे लॉजिकल रीजनिंग के साथ बिना डराए हुए वास्तु के कुछ लॉजिक्स एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी आप कैसे अपने घर में समृद्धि लाएं। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आपका मेंटल स्टेट बैलेंस्ड रहता है, आप में ये करेज रहता है, हिम्मत रहती है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं या आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं, किसी बीमारी का सामना अच्छे से कर सकते हैं। परंतु अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह जो है ये आपका मनोबल तोड़ देता है, आप मानसिक परेशानियों से घिर जाते हैं। देखिए, वास्तु जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में और बिगाड़ने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके घर में वास्तु संबंधी परेशानियां हैं तो आपको फिनेंशियल रुकावटें आ सकती हैं, और अगर आपके घर में चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वही देखिए धन का जो फ्लो है, जो धन का जो प्रवाह है वो कैसे आपके घर में शुरू हो जाता है। ठीक है, वास्तु जो कहता है वो ये कहता है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है किसी की जॉब नहीं है, ये फिनेंशियल प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी की जॉब चली गई, ये भी आर्थिक तंगी है। हो सकता है किसी को अचानक नुकसान हो गया, इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, ये भी एक तरीके से फिनेंशियल प्रॉब्लम है। आपको विरासत में आप बहुत कुछ सोच रहे थे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिला, ये भी एक तरीके से फिनेंशियल प्रॉब्लम है। लोगों के बिजनेसेस नहीं चलते हैं, रिजेक्शंस हो जाते हैं, बड़े बड़े कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाते हैं, ये भी एक तरीके से फिनेंशियल प्रॉब्लम है। आप जिंदगी में आप महीने में 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, परंतु अगर आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इसका मतलब है आपकी पॉकेट में कहीं ना कहीं पे कोई ड्रेन है, कोई होल है, ये भी एक तरीके से फिनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये जो इतनी सारी जो ये रुकावटें हैं, आप इनसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में कैसी रुकावट आ रही है। और वास्तु के हिसाब से हर रुकावट का एक अपनी डायरेक्शन होती है। इसके बाद आप देखेगा कि आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम्स दो तरीके से होती है, एक होती है प्रॉब्लम हमारी खांसी जुकाम की तरह, जिसे आप छोटी छोटी रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी ही पड़ेगी। तो अगर आपके घर में कुछ मेजर इश्यूज हैं तो आप वास्तु एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करिए, और ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करने से आपके घर में एक पॉजिटिविटी तो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तु ये कहता है कि जो फर्स्ट डायरेक्शन होती है जब भी हम कहीं पे आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, फिनेंशियल रुकावटों की बात करते हैं, तो वो दिशा होती है उत्तर यानी कि नॉर्थ, और जो दूसरी दिशा होती है वो होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाली जो दिशा होती है। ये दोनों जो दिशाएं होती हैं ये आपकी फिनेंशियल स्टेटस को दर्शाती हैं। कोई भी कंसल्टेंट आपके घर का इतना सा पार्ट देख के बता देगा कि आपकी ज़िंदगी किस प्रकार चल रही है। अगर आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार की गंदगी है, स्टोरेज है, किचन है, टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, स्टेयरकेस है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही होंगी। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, हो सकता है आपको नई जॉब ना मिले, लेकिन जो फिनेंशियल एक्चुअल जो आर्थिक तंगी होती है वो इन्हीं डायरेक्शन से आती है। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है यानी कि आग्नेय कोण जो होती है, ये हमको एकदम सडन चीज़ें कराता है कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, आपने किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, डूब गए शेयर्स, सडन आपका लॉस हो गया।
सो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है, अगर साउथ ईस्ट में कोई कट कॉर्नर्स होते हैं। देखिए मैं पहले आपको यहाँ पे बताऊँ कट कॉर्नर्स क्या होते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, अब अगर ये पार्ट मिसिंग हो जाता है तो अब आपका घर का शेप ये हो गया, ये पार्ट जो है ये आपके पोजेशन में नहीं है, तो ये कट माना जाता है, मिसिंग कॉर्नर माना जाता है। आप इसको अपनी बॉडी से भी रिलेट कर सकते हैं, आपकी बॉडी में अगर कोई एक अंग कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो आपकी जो शरीर है उस पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। सिमिलरली जो वास्तु में कट कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कट कॉर्नर्स जनरली अपार्टमेंट्स में, हाई राइज में, बिल्डर फ्लोर्स में काफ़ी देखे गए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स वहाँ ज़्यादा होती हैं। जहाँ पे लोगों के इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं, वहाँ जहाँ पे ज़मीन अपनी होती है, इन कट्स का बहुत आराम से ट्रीटमेंट भी हो जाता है या कट्स नहीं भी होते हैं। तो अगर साउथ ईस्टर्न कट है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, स्टेयर केस है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये अचानक लॉस देती हैं। क्योंकि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन में अगर दूषित है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई दोष है तो इंसान की समृद्धि कम होती है। आप लैविशनेस से बेसिक नेसेसिटीज पे आ जाते हैं, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। साउथ ईस्ट दूषित है तो आप बिल्कुल बेसिक दाल रोटी वाली जिंदगी पे आ जाएंगे। आप बैंकरप्ट नहीं होंगे लेकिन आपका स्टेटस ऑफ लिविंग जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा। अब एक और डायरेक्शन की बात करते हैं, साउथ वेस्ट, जो कि वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मानी जाती है। साउथ वेस्ट जो होता है वो अर्थ की डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट हमें ठहराव देता है, स्टेबिलिटी देता है। हमारी जिंदगी में जो भी स्टेबिलिटी आती है वो सब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का टॉयलेट है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एक और फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं स्टेगनेंट ग्रोथ। आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत सालों से अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भाई मैं एक लेवल ऊपर चला जाऊं, मेरी प्रमोशन हो जाए, नहीं हो रही है। अपना वेस्ट चेक करिए। वेस्ट जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज का कॉर्नर होता है, नई नई चीज़ों का कॉर्नर होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में एक स्टेगनेंट हो गई है, स्टेगनेंसी आ गई है, तो आप देखिए कि कहीं आपके वेस्ट में किसी प्रकार का कोई टॉयलेट तो नहीं, किसी प्रकार का गड्ढा तो नहीं, सेप्टिक टैंक तो नहीं, और अगर है तो उस चीज़ को ज़रूर ट्रीट करिए। देखिए दो चीज़ें और होती हैं जो कि जनरल आप इन्हीं डायरेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। एक होता है टी पॉइंट। टी पॉइंट मतलब एक रोड आपके घर पे आके हिट कर रही है। वास्तु में टी पॉइंट्स का बहुत महत्व होता है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, ये तीन पॉइंट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट से अगर रोड आपके घर पे हिट कर रही है, इस प्रकार के टी पॉइंट्स फिनेंशियल प्रॉब्लम देते हैं, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें लाते हैं। और एक और चीज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मिसिंग कॉर्नर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो मिसिंग कॉर्नर होता है वो आपके घर से जो प्रॉस्पेरिटी है उसको ख़त्म कर देता है, आपके घर की मानसिक शांति को बहुत कम कर देता है। तो अपने घर में ये दो चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा कि कोई मिसिंग कॉर्नर तो नहीं है और कहीं कोई टी पॉइंट तो नहीं है। अब मान लीजिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, घर में भी रह रहे हैं तो इसके इलाज हो जाते हैं। आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह लीजिए, आपकी बॉडी है, आपको ज़ुकाम हुआ, आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपने दवाई खाई, आप ठीक हो गए। उसी प्रकार से अगर आपके घर में वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी भी मेडिसिन होती हैं, उसकी भी रेमेडीज होती हैं और एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। तो वहीं जहाँ पे आपको आर्थिक तंगी हो रही थी, ये सारी टिप्स फॉलो करने के बाद आप देखिएगा कि आपके घर की जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो गई हैं और जो फिनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्थ डायरेक्शन की। देखिए नॉर्थ कुबेर का स्थान होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको नॉर्थ को एकदम स्वच्छ रखना है, एकदम साफ रखना है, वेल लिटअप रखना है, अच्छी लाइटनिंग रखनी है। अब नॉर्थ का जो एलिमेंट होता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट होता है वो जल तत्व होता है, वो पानी होता है। तो आप देखिए अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हैं, कोई बोरिंग बनवा सकते हैं, स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं।
और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या किसी फ्लोर में रहते हैं तो एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, कोई पानी पीने का रख सकते हैं। देखिए, फ्लोइंग वाटर चाहिए, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, पानी का जो है वो प्रवाह में रहना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हरे रंग का उपयोग ज़रूर करिए। हरा रंग आप दीवार पे भी करा सकते हैं, आप कोई ब्यूटीफुल सी पेंटिंग भी लगा सकते हैं जिसमें हरियाली दिख रही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें माउंटेन्स नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े पहाड़ नहीं होने चाहिए, भारीपन नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ ओपननेस होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। आप इस प्रकार की पेंटिंग्स भी जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी लाती हैं आपके घर में और फिनेंशियल रुकावटों को दूर करती हैं। एक चीज़ होती है मिरर्स। देखिए, मिरर कोई भी चीज़ बड़ा कर देती है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका दरवाज़ा है या खिड़कियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें खोल के रखिए। नहीं है तो आप वहाँ पे कोई दर्पण लगा सकते हैं, कोई मिरर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मिरर बहुत क्रिटिकल होता है। मिरर क्या रिफ्लेक्ट करता है वो चीज़ बढ़ाता है। मैंने आपको बोला नॉर्थ वॉल पे मिरर लगाइए, आपने लगा दिया, बट ये आपने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने टॉयलेट का डोर है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो टॉयलेट की नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मिरर आप कहीं पे भी लगाते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्थ में मिरर लगाने से चीज़ों का जो वर्चुअली है वो डबल हो जाती है, वो बढ़ जाती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप बिल्कुल उसका WC जो है वो यूज़ करना बंद कर दीजिए। एक बार को आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आपके जेब में पैसे आने लगेंगे, जब आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेंगी, तो आपको वो WC यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका जो पॉट है आप उसको यूज़ मत करिए। नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्नान करिए, हाथ धोइए, वहाँ पर लाइट जला के रखिए, और सी सॉल्ट जो होता है वहाँ पे एक कटोरी में रखिए जिसे आप मंथली चेंज कर सकते हैं। सी सॉल्ट नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपके नॉर्थ में किचन है तो डरिए मत, आपको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पे आप अपनी गैस के नीचे एक हरे रंग का पत्थर लगा लीजिए, वो जो नॉर्थ कलर है वो उसको बैलेंस करेगा। और आप नॉर्थ में अगर ये छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी वास्तु के हिसाब से जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की। देखिए, साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि का स्थान है, अग्नि में तेज होता है, परंतु अगर पानी वहाँ आ जाए तो वो अग्नि को बुझा देता है, उस तेज को ख़त्म कर देता है। तो साउथ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो आप कोशिश करिए कि वहाँ पे आप कोई वाटर स्टोरेज ना करें, वहाँ पे नहाए ना, और वहाँ पे एक 0 वाट का रेड बल्ब लगा दीजिए। आप वहाँ पे कोई कॉपर का कोई वेसल रख सकते हैं। देखिए, कॉपर जो होता है वो साउथ ईस्ट का एलिमेंट होता है, मेटल होता है, और आप उस मेटल को अगर वहाँ पे इन्हेंस करेंगे तो जो दूषित साउथ ईस्ट होता है आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। आप उस वेसल में कुछ रेड कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं। देखिए, फ्लावर्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, फ्लावर्स कभी भी ड्राई फ्लावर्स नहीं लगाने चाहिए और आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है वो नेगेटिविटी देने लगते हैं। तो अगर आप फ्रेश फ्लावर्स मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग लगा सकते हैं, लाल रंग में, पीले रंग में, उगते हुए सूरज की पेंटिंग, जो आपके साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है। देखिए, अगर उसमें कोई भी दोष है, टॉयलेट है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो आप पीले रंग का उपयोग करिए। जो पीला रंग है वो अर्थ को दर्शाता है। आप वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पॉट्स, बड़े बड़े पाम्स भी रख सकते हैं। देखिए, साउथ वेस्ट जो एंट्रेंसेज होती हैं वो भी इनिशियली तो वो आपको पैसा देती हैं, परंतु बाद में वही पैसा जो है वो किसी बीमारी में लग जाता है, चोरी हो जाती है। तो साउथ वेस्ट एंट्रेंस में जो स्ट्रगल होती है, लोगों की फिनेंशियल जो स्ट्रगल होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपकी साउथ वेस्ट एंट्रेंस है तो आप उसके अपने एंट्रेंस में बाहर की तरफ से एक बागुआ मिरर लगा सकते हैं। आप कॉन्वेक्स बागुआ मिरर लगाइएगा। और जो साउथ वेस्ट का एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। आप कोई रॉट आयरन की कोई अच्छी सी फ्रेम लगा सकते हैं, रॉट आयरन का कोई स्टूल रख सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, परंतु अगर आप ये करेंगे तो आपके घर में एक जो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जो आपको लगता है कि भाई ये छोटी छोटी सी रुकावटें आती हैं, मुझे लगता है कि बस कल पैसा आ जाएगा, पता लगा उस पैसे को आने में 2 महीने लग गए,
तो ये सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार से अगर आप इन सारी डायरेक्शंस को छोटी छोटी टिप्स के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। वास्तु का एक मूल मंत्र होता है जिसे कि कहते हैं हम डीक्लटरिंग। देखिए इंडियन फैमिलीज में स्पेशली इंडियंस को बहुत आदत होती है सामान रखने की। ये रख लेते हैं 2 साल बाद काम में आएगा, ये रख लेते हैं कभी तो काम में आएगा, तो धीरे धीरे करके हम वो कबाड़ भरते रहते हैं। उसको कहते हैं परिग्रह करना। तो ज़िंदगी में परिग्रह नहीं होना चाहिए। आपका जो सामान कबाड़ है या तो वो आप ऐसे स्टोर में रखें, उसे नॉर्थ वेस्ट का स्टोर बनाएं कि आपको वो दिखे ना। घर में जो क्लटर होता है, रुकी हुई घड़ियाँ आपका समय रोक देती हैं। आपको बहुत शौक है पेन इकट्ठे करने का, बहुत सारे पेन्स हैं, लेकिन कितने चलेंगे? 10 में से 2 पेन चल रहे होंगे, बाकी 10 नहीं चल रहे होंगे। वही जो चीज़ें हैं ये आपकी एक ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती हैं। तो कोई भी टूटी हुई चीज़, गंदगी, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप सबसे पहले हटाइए। अगर आपके शीशे हैं घर में, एक्सटीरियर्स में अगर ग्लासेस हैं तो उनको साफ रखिए। जो गंदे ग्लासेस होते हैं, टूटे हुए ग्लासेस होते हैं, विंडो पेन्स टूट जाते हैं, लोग सालों साल तभी भी रहते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आपकी हिंड्रेंसेस पैदा करती हैं। एक और चीज़ है, देखिए लीकिंग टैप्स जो होते हैं, पानी है, नल में से पानी टपक रहा है, टप 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 महीनों टपकता रहता है और लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि ये पानी नहीं टपक रहा है, ये लक्ष्मी जी जा रही हैं उस नल में से। आपके जो पॉकेट में है वो एक छेद हो गया है, ड्रेन हो गया है। और आप देखिएगा, आप इस चीज़ को रिलेट करिएगा, अगर आपके घर में नल टपक रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा कॉन्टीन्यूसली निकलता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है, देखिए लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, उनका तो नाम ही चंचला है, तो लक्ष्मी जी को आप साउथ वेस्ट में रखिए। साउथ वेस्ट जो होती है वो जमने की जगह होती है, वहाँ पे जो चीज़ जाती है वो वहाँ पे रुक जाती है। तो अगर आप कैश घर में रखते हैं, जैसा भी रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, तो साउथ वेस्ट में एक ऐसी अलमारी में कोन बनाइए जिसका कि जो मुंह है जब आप अलमारी खोलें तो वो उत्तर की तरफ खुले, कुबेर की तरफ खुले, और उस जगह पे अपनी आप लक्ष्मी जी को वहाँ विराजमान रखिए, वहाँ पैसा रखिए, और उस अंदर तिजोरी में या कैश बॉक्स में एक छोटा सा मिरर लगाइए। वो मिरर क्या है, जहाँ पे आप कैश रख रहे हैं वो उसको मल्टीफोल्ड कर देगा, वो एनर्जीज क्रिएट कर देगा जिससे कि आपका पैसा मल्टीफोल्ड होगा। तो ये जो सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि सिर्फ जो हमारी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसको धीरे 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 ख़त्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने लगती हैं। घरों में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम देखी गई है, दरवाज़ों में से चें करके आवाज़ आने की, और लोग हमेशा उन आवाज़ों के साथ ना ट्यून इन हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि मेरे मेन डोर में से आवाज़ आ रही है या मेरी अलमारी के दरवाजे में से आवाज़ आ रही है। परंतु ये जो क्रीकिंग नॉइजेज़ होती हैं ये बहुत नेगेटिव होती हैं, ये बैड लक साथ में लाती हैं। तो अगर आपके दरवाज़ों में या किसी भी प्रकार के, देखिए मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य द्वार में अगर इस प्रकार की आवाज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। तो अपने दरवाज़ों को चेक कीजिए, नहीं तो उसके कब्ज़ों पे रेगुलर तेल लगाइए, उसकी ऑयलिंग करिए और अपने मुख्य द्वार को एकदम स्वच्छ रखिए। देखिए इंडियंस तो वैसे भी मानते हैं कि लक्ष्मी जी हैं वो तो मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं, तो अगर आप मुख्य द्वार पे डस्टबिन रखेंगे, चप्पलें फैली हुई रखेंगे, तो लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? अगर आप मुख्य द्वार को स्वच्छ रखिए, अंधेरे में मत रखिए, अंधेरा बहुत नेगेटिव होता है। शाम के समय अपने घर के हर कोने में जिसके आपको लगता है अंधेरा है, उसमें छोटा सा लाइट ज़रूर जलाइए, कुछ समय के लिए जलाइए। उसी प्रकार से अपनी एंट्रेंसेस को एकदम क्लीन रखिए, वहाँ पे अगर आपको शूज़ रखने हैं तो एक क्लोज्ड शू रैक में रखिए, डस्टबिन कभी मत रखिए। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स आप घर के लिए फॉलो करेंगे, इससे आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे खुशहाली आती है, कैसे समृद्धि वापस आती है। देखिए ये तो बात की हमने घर की, अब मैं आपको कुछ कमर्शियल एंगल्स बताऊंगी, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो या तो जॉब में होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इधर देयर इंडस्ट्रीज और देयर हॉस्पिटल्स, किसी भी प्रकार में जो कमर्शियल एंगल में ये फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके पूरे घर को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं आपसे बात करती हूँ सबसे पहले फैक्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो फिनेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है?
आपका कहीं से पैसा आना रुक गया या आपने कुछ सामान बनाया, कोई बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बनाया, रिजेक्शन हो गया या वो माल उन्होंने लिया ही नहीं, ये सारी फिनेंशियल इश्यूज होती है, आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप अपने इंडस्ट्री का सबसे पहले, जैसे कि मैंने घर में भी बताया था, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चेक करिए। अगर इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में उस कॉर्नर में कोई हैवी मशीन्स हैं, क्रेन वाली मशीन्स हैं, हैवी मोल्स हैं, फर्नेसेस हैं, या कोई ऐसी मशीन है जो कि अग्नि यूज़ कर रही है, वेल्डिंग एरियाज हैं, गंदगी है वहाँ पे, रॉ मटेरियल आपके बहुत हैवी हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दी हैं, तो यकीन मानिए इस प्रकार की इंडस्ट्रीज कभी भी प्रॉस्पेरस नहीं होंगी, आपको कभी समृद्धि नहीं मिलेगी, आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को एकदम स्वच्छ और साफ रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम किसी भी कमर्शियल प्लेस की बात करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, आपको ये सारे जो कॉर्नर्स हैं, ये सारी जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, चाहे वो टी पॉइंट है, चाहे वो एंट्रेंस है, या वो किसी प्रकार का खट कॉर्नर है, ये सारी चीज़ें आपको उतना ही परेशान करेंगी। परंतु जब हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये बड़े बड़े एरियाज होते हैं, इनके नॉर्थ ईस्ट भी बड़े होते हैं, इनके नॉर्थ भी बड़े होते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपको उतना पूरा खाली करना है, आपको बैलेंस देखना है, आपको ये देखना है कि मेरी नॉर्थ लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है, मेरी नॉर्थ ईस्ट लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है, तो जहाँ से वो क्रॉस कर रहे हैं हमें वहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आपने भी देखा होगा, पैंडमिक है, सबके साथ खराब समय चल रहा है, सबका बुरा समय चल रहा है, हर किसी को फिनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, परंतु देखिएगा जिनके घर या फैक्ट्रीज वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, उनको ये जो चोट है ये धीरे लगेगी, धीरे धीरे से इसकी मार लगी होगी। उसी प्रकार से खराब समय सबका चलता है, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू द कर्मास, बट वास्तु एक्चुअली ये आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प करता है। फिनेंशियली मान लीजिए मेरा बहुत खराब समय चल रहा है, हो सकता है मेरी अर्निंग नहीं है, हो सकता है मेरा नुकसान है, परंतु अगर मेरा घर, अगर मेरा ऑफिस वास्तु के प्रिंसिपल्स फॉलो करते होंगे तो हो, जो नुकसान मुझे शायद 1 लाख का होने वाला होगा वो शायद मुझे 1,000 रुपये का होगा। तो इंटेंसिटी, आपकी जो फिनेंशियल लॉस की जो इंटेंसिटी है, ये सारी फॉलो करने से, प्रिंसिपल्स फॉलो करने से आप उस इंटेंसिटी को बहुत कम कर सकते हैं। या ये जो अवेयरनेस है अब जो आपको हुई है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट खराब है या मेरा नॉर्थ खराब है या मेरा साउथ ईस्ट खराब है, तो आप ये सारी छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये फॉलो करिए और फिर आप देखिए कि जो खुशहाली आप सोचते हैं या जिस समृद्धि की आप कल्पना करते हैं वो कैसे आपके जीवन में प्रवेश करती है। तो वास्तु आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉजिटिविटी जो है वो कैसे आपको घर में लानी है, इसका रास्ता सब दर्शाता है, बाकी फॉलो आपको ही करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।